तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पर, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 केजी इज इनिशियली एट रेस्ट इज इन एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट माइनस एल कॉमा माइनस एच। एल की वैल्यू 10 मीटर है, एच 1 मीटर है। पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट टी इज इक्वल टू जीरो विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं पहले कि ये हमें दिया है एक्स और वाई, और पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस एल और वाई इज इक्वल टू है माइनस एच। ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, 0.2 केजी का पार्टिकल है और उसके पास एक्सेलरेशन दिया है। एक्सेलरेशन दिया है 10 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम आई कैप लिख देते हैं। ओके आगे अब यहाँ पे कहा है कि एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन एसआई यूनिट आर एल बार एंड टाओ बार, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। और ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल दिया है कि के इज इक्वल टू आई क्रॉस जे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, पार्टिकल विल अराइव एट एक्स इज इक्वल टू एल इन 2 सेकेंड्स। तो चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एल, और इनिशियल पोजीशन है माइनस एल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2L। और क्वेश्चन में एल की वैल्यू 10 मीटर दी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। ऑलरेडी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी जीरो है, और पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन का है। तो कितना समय लगेगा, तो जो कि इट इज़ वेरी क्लियर कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन टाइम पूछा है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 20 मीटर, इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5s are 10। सो 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20/5, तो ये हो जाएगा 4, और रूट लेने पर यह आएगा 2 सेकेंड। तो टाइम 2 सेकेंड लगने वाला है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि ये 2 सेकेंड पर पहुँचेगा। उसके बाद टॉर्क अबाउट ओरिजिन जो है वो 2k कैप होता है, कब, व्हेन पार्टिकल इज एट एल कॉमा एच। ठीक है, तो बी ऑप्शन में हमें पता है कि टॉर्क जो होता है कोई भी पोजीशन पे होता है आर बार क्रॉस एफ बार। आर बार जो कि पोजीशन वेक्टर है एल आई कैप माइनस एच जे कैप। फोर्स रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एल की वैल्यू हमें पता है 10 और एच की वैल्यू हमें पता है, तो एच की जो एल कॉमा माइनस एच, एच की वैल्यू 1 मीटर है, तो ये जे कैप हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी कंसिडर किया है, मास इंटू एक्सेलरेशन 10 i कैप, तो ये हो जाएगा 10 i कैप माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट पर 0.2 × 10 विल बी 2 i कैप। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 2s are 20 i क्रॉस i माइनस 2 1s are 2 j क्रॉस i। हमें पता है पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, माइनस 2 j क्रॉस i। तो ये रूल आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि बहुत कॉमन है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि जे क्रॉस आई क्या रहता है, माइनस के कैप, तो माइनस 2 माइनस k, तो ये हो जाएगा प्लस 2 k कैप न्यूटन मीटर, यानी कि एसआई यूनिट में। तो टॉर्क जब पार्टिकल एल कॉमा माइनस एच पे है तो इतना रहेगा, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे हमें पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू एल कॉमा माइनस एच। ओके, तो तीसरा पार्ट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर बार क्रॉस पी बार। आर बार फिर से उतना ही है, 10 i कैप माइनस 1 j कैप, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, j कैप। और लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हमें बस उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पता करना है, तो 10 i कैप माइनस j कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद 0.2 × वेलोसिटी। सो वेलोसिटी होता है u प्लस at, और हमें पता है कि ये पार्टिकल जो है l कॉमा माइनस एच पर कितना कितना समय लगा पहुंचने के लिए, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड कितनी है वो हम पता कर सकते हैं। 10 i कैप
माइनस जे कैप इंटू 0.2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 0 है, 10 आई कैप और ये टाइम लगा है 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 आई कैप माइनस जे कैप इंटू 0.2 इंटू 2 tens, तो इट विल बी 20 आई कैप। तो ये हो जाएगा 10 आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ 20 इंटू 2 विल बी 40, बट पॉइंट की वजह से ये सिर्फ 4 आई कैप होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 10 फोर जा 40 आई क्रॉस आई माइनस जे 4 एज इट इज़ जे क्रॉस आई। तो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर तो 0 होता है माइनस 4 एज इट इज़, जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 4 के कैप। तो ऑप्शन सी में जो बोला है वो भी बिल्कुल सही है। आगे टॉर्क रहेगा के कैप जब पार्टिकल 0, -h पे रहेगा, ओके एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, फिर से आर बार क्रॉस एफ बार, और ये बोला है 0 आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद, और ऑलरेडी हम बी ऑप्शन में फोर्स डायरेक्ट पता कर चुके हैं, एम ए इतना करके 2 आई कैप आता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आई कैप लिख दें, ओके और हम सॉल्व करते हैं। तो 0, तो ये 0 इंटू 2 आई कैप तो 0 हो जाएगा माइनस एज इट इज़ 2, और ये हो जाएगा j क्रॉस i, तो माइनस 2 एज इट इज़ j क्रॉस i माइनस k कैप होता है, माइनस माइनस प्लस 2 k कैप। तो टॉर्क का वैल्यू तो 2 k कैप आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ k कैप बोला है जो कि गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए बी सी। ओके थैंक यू।